अस्सलाम वालेकुम सब भाई दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे यार भाई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होंडा सिटी में डी की लाइट कैसे बंद की जाती है, जो डी की लाइट बिलिंग कर रही होती है। स्टार्ट करने पे गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है और डी की लाइट बिलिंग होती है, या स्विच ऑन करने पे भी ये शो हो जाती है। ये देखिए, अभी स्विच ऑन करें हमने, ये डी की लाइट बिलिंग कर रही है, ठीक है। और ये स्टार्ट पर भी ऐसी कर रही होती है, रिवर्स लगाएं कुछ भी लगाएं ऐसी कर रही होती है। अभी हमने इसका स्कैनर लगाया था तो स्कैनर पे फॉल्ट आ रहा था इसका वाल बॉडी का, तो जो हमने वाल बॉडी इसकी खोली है, इसकी वाल बॉडी का मसला क्या था, इसमें जो वाल लगे होते हैं वी टेक टाइप के, उसमें जो एक वाल था उसकी ग्रिप टूट गई थी। जहाँ पे ये ग्रिप बैठती उसकी वहाँ पर मेल वाली ग्रिप टूट गई थी, तो वहाँ पे हमने ये तारें दो लगाई हैं। इसको टांका लगा लिया, ये दो तारें लगा ली हैं, तो इसको चेक करेंगे। तो अगर तो ये चली गई तो हमारी वाल बॉडी यही चल जाएंगी, बहरहाल फॉल्ट यही है। तो बाज़ का नहीं जाता किसी में, तो वहाँ पे फिर हमें वाल बॉडी चेंज करनी पड़ जाती है। गाड़ी जब झटका मार रही हो या डी की लाइट बिलिंग नहीं छोड़ रही हो तो फिर हम यही करते हैं, ये हम इसको फिट करने लगे हैं वापस। तो इसमें पैकिंग इसकी लाजमी लगाएं हम, नहीं तो इसका आयल लीक होता रहता है। सिलिकॉन लगाने पे आयल लीक होता रहता है, इसकी पैकिंग आप लगा लें लाजमी, ठीक है। तो ये भी फिट कर रहे हैं, ये रख दिया ऊपर इसको, और इसके ये चार बोल्ट इस तरफ है और चार उस तरफ है, ये बोल्ट लगाएं। बोल्ट लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये जो तारें हैं इसको आपने यहाँ तो इसकी छोटी पिने लेके उस ग्रिप में लगा दें, नहीं तो आप अगर आपके पास पिने नहीं है तो आप इसको ये छील के ऊपर से लगा दें। ऊपर लगाने से ये है कि आप तारें बदल भी सकते हो। अगर तो डी की लाइट अपनी छोड़ के बिलिंग करना है, चलते में भी और स्विच ऑन पर भी पता चल जाएगा, जो अगर सही हुई ना स्विच ऑन भी पता चल जाएगा। तो ये तारें आप पलटा लें अगर नहीं छोड़ रहे, अगर छोड़ गए तो फिर ठीक है। ये तारें मैं छील रहा हूँ, छील के ऊपर लगाएंगे हम तो ये डी की लाइट अपनी इंशाल्लाह चली जाएगी। इसके बाद वो ग्रिप टूट गया था, पता नहीं कैसे टूटे, ये पहले से आए ऐसे हमारे पास। तो ये एक तार इधर लगेगी और जो काली तार है वो पीली वाली तार में लगा दें। ये आप बदला भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि काली पीली में ही लगेगी लाजमी, जैसे मर्जी कर लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये लगाने के बाद स्विच ऑन करें, बैटरी लगा रहे हैं हम, बैटरी लगा के चेक करें ये स्विच ऑन करें। ये देखें चली गई लाइट, ये स्टार्ट करी गाड़ी, ये आर की आ रही है, ये एन पे करा एन की आ गई, डी पे करा डी की आ गई। इसी तरह चेक कर लें आप सारी करके, पी पे करेंगे तो पी की आ जाएगी। बस यही मसला था, इसमें सिर्फ दो तारें टूटी हुई थी और कुछ नहीं।